गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो मैं इतनी हैप्पी इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो है शॉपिंग बैग मिल गया था। और सच बताऊं तो मेरा व्लॉग करने का मन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे साथ ना मेरे साथ वाली जो इधर फ्रेंड बनी है ना वो मेरे साथ गई थी और वो लोग ना व्लॉग्स में बिल्कुल भी आना नहीं चाहते, मतलब उनको बड़ा ऐसे प्राइवेसी इशू है। तो मैंने फिर कहा चलो कोई नहीं, बस मेरा बैग फटाफट आप लेने चलो और उसके बाद फिर मैं खुश हो गई। तो मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा बैग मेरा रह गया था। और अभी मैं जैसे रेडी शेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं आज सुबह से वेट कर रही थी। यहाँ पे आज बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा वेदर। तो जब हम सुबह गए थे ना उस मॉल में तब तो बारिश भी हो रही थी यहाँ पे 9-10 के करीब, लेकिन बहुत हल्की हल्की, बहुत हल्की, ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी बहुत ही अच्छा सा वेदर हो गया है तो मैं बाहर निकल के कुछ थोड़ा इस वेदर को इन्जॉय करना चाहती हूँ। और मैंने सोचा है कि साहिल के लिए करवा चौथ का गिफ्ट भी लूँ मैं यहाँ से, क्योंकि आईफोन 15 प्रो मैक्स तो नहीं मिल रहा है। 3-4 वीक्स की वेटिंग बताई है सिर्फ उस वाले कलर की जो मुझे चाहिए। बाकी ब्लू भी मिल रहा है, ब्लैक भी मिल रहा है, लेकिन वो कलर नहीं मिल रहा है। तो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो गाइज अपना इंडिया से ही ले लेंगे। और इंडिया में भी साहिल बता रहे थे कि उस कलर को जो है मंगवाना ही पड़ेगा, तो उसकी भी वेटिंग ही है। तो जिन्होंने स्टार्टिंग में ही बहुत स्टार्टिंग में बुकिंग करा ली थी उनको तो ईजिली मिल गया है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मिलना होगा मिल जाएगा। लेकिन अभी चलते हैं बाहर। और आज मैंने पहना है पूरा बर्ष्का का जो आउटफिट, शू भी बर्ष्का के, पैंट्स भी बर्ष्का की और टॉप भी बर्ष्का का। तो अगर मैंने कुछ कहीं मिरर दिखा तो मैं पूरी आउटफिट आपको दिखाऊंगी। और अलसीफ जाने का मन था लेकिन यहाँ से बहुत दूर है अलसीफ, तो अभी अपना JBR में नीचे निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर क्या क्या मैं इंजॉय कर सकती हूँ। उसके बाद रात को शॉपिंग करने जाएंगे। अभी नहीं, अभी इस डे को खराब नहीं करते हैं, अभी मेरे को बाहर घूमना है, बस घूमना है गाइस। यहाँ पे गाइस जिसके पार्सल्स होते हैं ना, अगर कोई डोर ना ओपन करे तो वो ऐसे रख के चले जाते हैं घर के बाहर। पूरे पूरे 2-2 दिन देखे मैंने ऐसे ही पड़े रहते हैं। अगर हम PL पे जाएंगे तो हम JBR घूम सकते हैं, अगर हम ग्राउंड पे जाएंगे तो मैं सीधा ट्रैम पे जा सकती हूँ। तो मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया, जल्दी कंफ्यूज मत हो। PL उफ क्या यार, ये क्यों मुझसे प्रेस हो जाता है गलती से। बड़ी बहुत ही अच्छी किस्मत है मेरी, मैंने PL प्रेस किया, उससे पहले UP प्रेस हो गया, फिर एक गर्ल आई उसने ग्राउंड फ्लोर प्रेस किया और मैं उसके साथ ग्राउंड फ्लोर पे उतर गई। मुझे ध्यान ही नहीं रहा, वो पता नहीं मुझसे क्या पूछने लग गई और बस इतने में PL भी निकल गया और TL भी निकल गया, पर अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूँ। तो इधर तो सीधा ट्रैम वाला रास्ता है, यहाँ से बाहर निकल के देखती हूँ। वैसे मैंने यहाँ का ना इधर से बाहर घूम के नहीं देखा कि क्या क्या है। यार आज का वेदर बहुत अच्छा है गाइस। मैं गाइस ट्रैम से ही जाती हूँ, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगी। अच्छी सी जगह चलते हैं आज। मैंने सोचा बहुत ही अच्छी और नई जगह जाना है शिल्पा तूने, तो मैंने पूछा एक दो से कि अभी के लिए मैं कहाँ जा सकती हूँ। तो मुझे लगा वो मुझे बहुत नई जगह भेज रहे हैं, बट ये जो बीच आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत नया है, मैंने पहले भी एक बार देखा है। अब आपको भी याद आएगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ। ये है मॉल ऑफ द एमिरेट्स जहाँ मैं बहुत बार आ चुकी हूँ और ये इसके सामने का व्यू है। बट बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि आज का वेदर बहुत अच्छा है ना गाइस, थोड़ी देर इधर इंजॉय करेंगे। और मेरा तो देखो काम बन गया क्योंकि मुझे जो शॉपिंग करनी है फिर मैं इधर से ही करूँगी, तो इजी हो गया मेरे लिए, मुझे अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा। गाइस मेरा मन ना अलसीफ जाने का था आज बहुत ज़्यादा, लेकिन JBR से अलसीफ का रास्ता बहुत दूर था, टैक्सी से भी बहुत बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि
कितना मैं पहुंचूंगी और घूमने का सोचूंगी तब तक शायद ये वेदर ख़राब हो जाए, लेकिन ये वेदर तो बहुत अच्छा है। और ये पास में है थोड़ा JBR से, मॉल ऑफ द एमिरेट्स, और इसके पास भी आसपास हैं तो बहुत अच्छी जगह, लेकिन वही है कि ये तो मैं बहुत बार घूम चुकी हूँ ना। अलसीफ भी मैं लास्ट टाइम जब आई थी तब घूमी थी, वो बहुत सुंदर सी जगह है, वहाँ पर ज़्यादातर फ़ोटोशूट भी होते हैं। तो बस कोई नहीं, अलसीफ के लिए अभी मेरे पास है शायद थोड़ा टाइम है, वैसे मेरी रिटर्न टिकट्स हो चुकी हैं, मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ, मैं करवा चौथ से पहले मुझे पहुँचना है, तो बस आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मेरे पास कितने ही दिन बचे हैं। तो उसमें ही मुझे बस ये है कि क्यों ही टाइम वेस्ट करना, जितना घूम सकती हूँ घूम लेती हूँ। और गाइस सरप्राइज़ में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे बहुत टाइम तो नहीं, मतलब उसमें टाइम ही लग रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ में इधर इन्वेस्ट किया है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन हाँ मैंने वो पहले से सोचा हुआ था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो इसी के लिए मुझे जो है आना पड़ता है। और अभी फाइनली जो मेरी मेहनत है वो रंग लाएगी, बहुत जल्दी आप लोगों को वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो बस हिंट मैंने दे दिया है कि मैंने इधर बहुत बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, और वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ है, सच्ची में बहुत बड़ी चीज़ है। गाइस काफ़ी घूम लिया मैंने, काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप भी आने लग गई है, तो मैंने सोचा अभी मॉल में जाती हूँ, कुछ खाती पीती हूँ। आज मेरा ना कॉफ़ी पीने का मन है, पता नहीं क्यों, तो सबसे पहले कॉफ़ी पीऊँगी उसके बाद शॉपिंग स्टार्ट करूँगी। वो जो चेन पहने थी ना मैंने, उससे मुझे थोड़ा ही स्टॉप के साथ ना ऑकवर्ड सा लग रहा, ऑकवर्ड नहीं मतलब वो अच्छी सी नहीं लग रही थी, तो मैंने निकाल दी। इधर से ही रास्ता है क्या या मैं गलत जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, इधर से ही होगा, हाँ इधर से ही है। गाइस वो गाड़ियाँ चेक करो, उसका कलर तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। फाइनली इतनी तेज़ बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है, मैं सिर्फ आपको बारिश दिखाने आई हूँ क्योंकि मैं अंदर थी। अब साहिल के लिए कुछ पसंद करते हैं, पहले कोई अच्छी सी शर्ट या कोट सेट कुछ भी अच्छा सा मिल जाए। और मैं बर्शका में ही आई हूँ, इधर भी विंटर्स का बहुत ज़्यादा आ गया है, तो देखती हूँ कुछ अच्छा सा मिलता है इधर या फिर किसी और ब्रांड में चलेंगे। गाइस साहिल की शॉपिंग करते करते मुझे भी कुछ पसंद आ गया है अपने लिए, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे से लग रहे हैं इधर बैग ना, तो एक मैं देख रही हूँ कौन सा लूँ। ये मिलानो इटली की ब्रांड है और बहुत ही अच्छी सी लग रही है, पता नहीं क्यों, मेरे पास है भी नहीं कोई इसका बैग ना इस ब्रांड का। मैं वैसे ये दो पसंद कर चुकी हूँ। और गाइज़ मेरी आज की आउटफिट ऑफ द डे है ये, आपको दिखाई नहीं दी, ये दोनों बैग पसंद किए हैं, अभी और देख लेती हूँ, क्या पता इनसे अच्छे भी मिल जाए। गाइज़ मैंने ये बैग पसंद किए हैं, अब इनमें से मुझे कोई दो फाइनल करने हैं, एक मैं काजल को दूंगी और एक मैं खुद रखूँगी। गाइज़ एक ये भी अच्छा लग रहा है, गाइज मुझे मिलानो में तो एक ही बैग पसंद आया था, अब मैं ऑल्डो में देख रही हूँ कोई अच्छा सा मिल जाए। तो गाइज एक मुझे ये पसंद आया है, एक मुझे ये पसंद आया है, तो अब हम इन दोनों में से कोई एक लेने वाले हैं और लास्ट में आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सा लिया है। गाइस देख मुझे ये भी बहुत पसंद आया, अभी हम देख रहे हैं ये इसका नया पीस मिल जाए तो। दिस वन आल्सो नो 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 थैंक यू। गाइस फाइनली काजल का और मेरा बैग तो आ गया है, मतलब पहले मैंने बैग ही ले लिया क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे थे, अब चलते हैं कुछ और लेने। यार गाइस सब जगह विंटर्स का है,
गाइस एक ना मुझे ये बैगी स्टाइल में फॉर एवर 21 से बड़ी अच्छी सी डेनिम पसंद आई है, बट इसमें छोटा साइज नहीं है, तो उन्होंने बोला एक बार ये ट्राई करके देख लो, तो देखते हैं ये मुझे फिट आता है तो इसको लूंगी यार। मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ये ना प्रॉपर ऐसे बैगी है। अरे दिख जा ऐसे, अगर आ गई तो फिर थोड़ा ऐसे अच्छा हो जाएगा। गाइस ये इतनी लूज है, नहीं जो मुझे चीज़ पसंद आती है वो मुझे फिट ही नहीं आती, ये तो मैंने देखा है। आधी शॉपिंग तो डन हो गई है, लेकिन लास्ट टाइम फिर से हिम्मत करके एप्पल स्टोर जा रही हूँ और 15 प्रो मैक्स पता करने। अगर मिल गया आज तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर अपने इंडिया से ही ले लेंगे, तो एक बार देख लेती हूँ, क्या पता मिल भी सकता है, किस्मत की बात है। वैसे तो यहाँ पर हर कोई मना कर देता है, 15 प्रो मैक्स नाम आते ही मना कर देते हैं। दूसरे कलर्स में तो फिर भी आपको मिल जाएगा, पर नेचुरल टाइटेनियम नहीं मिल रहा है। सब अवेलेबल है, बस ये अवेलेबल नहीं है गाइस, अब तो सच्ची हद हो गई है। फाइनली मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कल हम लेंगे कुछ साहिल के लिए बहुत स्पेशल और उसका व्लॉग कल अलग ही बनेगा, लेकिन आज करवा चौथ स्पेशल शॉपिंग चल रही है मेरी, जिसमें मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया है। और काजल रानी ने तो खुद ही अपना गिफ्ट पसंद किया है, तो वो काफ़ी खुश है। बाकी मैंने व्लॉग किया है और देख लो मैं बात करते करते कहाँ से आ गई हूँ। तो अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो फाइनली मुझे मिल गया है। तो अभी जा रही हूँ, थोड़ा बहुत और कुछ रह गया है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलेगा इंडिया जाके ना करवा चौथ की शॉपिंग करने का, तो थोड़ा बहुत जो रह गया है वो मैं इधर से ही लूँगी। तो आज बस पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया और मुझे बहुत ऐसे खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों। घर आ गई थी और आज की शॉपिंग है ये, थोड़ी सी रह गई है, वैसे करवा चौथ की जितनी मैं कर सकती थी मैंने कर लिया है और बाकी की हम कल करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा चेंज वेंज कर लूँ उसके बाद आप लोगों को मिलूँगी। वो आज मेरी जो शॉपिंग थी, मैंने आपको दिखाया कि करवा चौथ स्पेशल शॉपिंग थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट इसको भी ख़त्म करती हूँ। और करवा चौथ शॉपिंग पे वैसे तो मेन साहिल के लिए मुझे चीज़ें लेनी थी, लेकिन उनके साथ साथ मुझे अपने लिए भी कुछ पसंद आ गया, काजल के लिए भी कुछ पसंद आ गया, तो फिर मैं इसे रह नहीं पाई। लेकिन ये जितनी भी शॉपिंग मैं करके लाई हूँ ना, इसका मैं प्रॉपर एक अलग ही जो है अनबॉक्सिंग का व्लॉग करूँगी, शायद मैं घर जाके करूँ या उससे पहले कर लूँ, जैसे ही टाइम लगेगा मुझे वैसे मैं व्लॉग कर लूँगी। और फिर आप बताना कि कैसी लगी आपको ये चीज़ें। वैसे आप बोलोगे तो नेक्स्ट व्लॉग ही बना लूँगी, क्योंकि कल मेन जो सरप्राइज़ है ना करवा चौथ का, वो कल आएगा, तो मुझे बहुत जल्दी उठना है, बहुत जल्दी जाना है, क्योंकि आज गेस तो कर ही सकते हो आप, आई नो कि। तो जैसे कि कई लोग बिल्कुल सही चीज़ें लिखते हैं कॉमेंट में, तो मुझे लगता है यार ये इतना परफेक्ट गेस कैसे करते हैं, तो फिर मैं काफ़ी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि आप काफ़ी स्मार्ट हो गए हो मेरे व्लॉग्स देखकर। तो गाइज़ अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इतने सारे कमेंट थे मेरे इसके कि ये फ़ोन का कवर मैंने कहाँ से लिया है, तो मैंने वहाँ पर भी रिप्लाई किया था, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ कि मैंने ये दुबई से ही लिया था, तो अगर किसी को लेना हो तो ऑनलाइन देख लेना, आप बुक कर सकते हो। तो गाइज इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलूंगी आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज।